मेहुल सो रहा था, तभी उसे ग्लास गिरने की आवाज आती है। वह तुरंत उठकर बाहर जाता है तो देखता है कि खिड़की खुली हुई है और बाहर हवा चल रही है। लेकिन क्या ग्लास हवा की वजह से गिरा है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। ग्लास में पानी था, नीचे देखिए ग्लास गिरने की वजह से पूरा पानी गिर गया है। अब हवे से पानी से भरा ग्लास तो नीचे गिर नहीं सकता। और पानी में देखिए अजीब से निशान है। मेहुल सोच में पड़ जाता है कि ये निशान कैसे है। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो पिछले 30 मिनट के फुटेजेस गायब होते हैं। फिर मेहुल दिन और अभी के फुटेजेस को कंपेयर करता है। क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं दोनों में क्या गड़बड़ है? कबर्ड पर रखे बुक्स का सीक्वेंस देखिए, वो चेंज हो गया है। पहले बुक्स ये ऑर्डर में थी और अब बुक्स अलग ऑर्डर में है। जरूर कोई मेरे केसेस और फाइल्स पढ़ने आया था, लेकिन कौन? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल जाके बुक्स के पास देखता है तो उसे वहां एक नोट और एक सीडी मिलती है। नोट पे मेहुल को कुछ लिखा हुआ मिलता है, लेकिन मेहुल को कुछ समझ नहीं आता है। मेहुल फिर सीडी को लैपटॉप पे लगा के वीडियो देखता है तो सामने जयकाल होता है। मेहुल, मैं तुम्हारे शहर के 4 बड़े बड़े लोगों को मार दूंगा, उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो, हिंट तुम्हें नोट में मिल जाएगा। मेहुल नोट को वापस समझने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी टीवी पे न्यूज आती है कि 21 अगस्त को एक बड़े बिजनेसमैन रमन की डेथ हो गई है। डेथ कैसे हुई ये समझ नहीं आ रहा है। मेहुल नोट को वापस देखता है और समझ जाता है कि नोट का और इस डेथ का रिलेशन है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं क्या रिलेशन? नोट का पहला लेटर बताता है कि नेम कैसे शुरू हो रहा है, जैसे फर्स्ट में आर है। सेकेंड कॉलम डेट बता रहा है, किस दिन डेथ होगी, 21 अगस्त, इसलिए 2108। और थर्ड मरने वाले का नाम बता रहा है जो जंबल्ड है, ये रमन का नाम है। अब मेहुल को बाकी 3 लोगों के नाम को समझना होगा। लॉजिकल आर्मी, अब सेकेंड नेम को देखिए और बताए ये किसका नाम है। स्टार्टिंग लेटर एल है और ये नेम है लखन का। अब लॉजिकल आर्मी थर्ड नेम को देखिए और बताए ये किसका नेम है। थर्ड शुरू हो रहा है जी से और वो है गोयल। चलिए अब जल्दी से चौथे जंबल्ड वर्ड को देखिए और बताइए ये किसका नाम है। ये शुरू हो रहा है एम से और वो है मनन। रोज एक की डेथ होगी, मुझे इन्हें ढूंढ के इन्हें बचाना होगा। मेहुल रमन की डेड बॉडी की जांच करने पहुंच जाता है। उसे नेक पर स्नेक बाइट के निशान मिलते हैं लेकिन रिपोर्ट में बॉडी में कोई पॉइजन नहीं मिलता। सर के पीछे चोट मिलती है जैसे किसी ने धक्का दिया हो, लेकिन डेथ धक्का लगने से भी नहीं हुई है। गले में फांसी का मार्क है लेकिन अंदर कोई रस्सी नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कैसे डेथ हुई है इसकी? मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है तो उसे उसके घर जैसे फुटेजेस मिसिंग मिलते हैं। कहीं ना कहीं जो मेरे घर पे आया था शायद वही यहाँ आया होगा। तभी डॉक्टर संजना का फोन आता है और वो मेहुल को बताती है कि डेथ फांसी लगने से हुई है, लेकिन रमन तो सुबह से रूम में था, ना कोई अंदर गया ना कोई बाहर आया, तो फांसी कैसे लगी? और फांसी लगी तो रस्सी कहाँ है? ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे जल्दी डॉक्टर लखन के यहाँ पहुँचना होगा और उसे बचाना होगा। मेहुल डॉक्टर लखन के क्लिनिक के लिए निकल जाता है। वहाँ पहले से पुलिस होती है और मेहुल को बताते हैं कि डॉक्टर ने क्लिनिक में लोगों पे अटैक किया, 3 लोगों को बेहोश कर दिया और 2 लोगों को मार दिया, और अब डॉक्टर भी बेहोश पड़ा हुआ है। मेहुल डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर बताता है कि उसने किसी को नहीं मारा है, उसके रूम में एक आदमी आया था जिसने उसे धक्का दिया और वो गिर के बेहोश हो गया। इसके अलावा डॉक्टर को कुछ नहीं पता है। शायद डॉक्टर सही कह रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है ये, मुझे और समझना होगा। मेहुल को पहले क्राइम सीन पे और दूसरे क्राइम सीन पे एक चीज सेम लगती है, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी वो क्या है? डॉक्टर के शर्ट पे देखिए ग्रीन कलर लगा हुआ है। ये पहले क्राइम सीन में भी शर्ट पे मेहुल को ग्रीन कलर मिला था। मेहुल डॉक्टर के केबिन को अच्छे से देखता है तो उसे वहां एक कटर मिलता है जिस पे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। मेहुल उनको जांच के लिए भेज देता है। जांच से पता चलता है कि वो फिंगरप्रिंट किसी एनिमल के है। एनिमल के फिंगरप्रिंट्स यहाँ डॉक्टर के केबिन में कैसे आ सकते हैं? तब मेहुल वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। एक फुटेज में मेहुल को कुछ अजीब सा दिखता है। क्या आप इस फुटेज को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या अजीब लगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए।
मेहुल फुटेज में देखता है कि एक आदमी की पूंछ निकल रही है। फिर मेहुल देखता है कि वो आदमी केबिन के अंदर जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तभी अचानक सीसीटीवी के सामने एक स्नेक मैन आ जाता है। डिटेक्टिव मेहुल, मैं शहर के सारे बड़े लोगों को खत्म कर दूंगा, कैसे बचाओगे तुम? ये जरूर जयकाल का काम होगा, उसने पावर जीन की मदद से एक और विलन बना लिया है। मेहुल तुरंत बिजनेसमैन गोयल के घर पे पहुंच जाता है और उन्हें स्नेकमैन के बारे में बता देता है। तभी अचानक बाहर तेज बारिश होने लगती है और गोयल अपने रूम में सोने चला जाता है। मेहुल की भी सोफे पे नींद लग जाती है। तभी डोरबेल बजती है। मेहुल डोर ओपन करता है तो बाहर गोयल खड़ा होता है। आप बाहर? हाँ, थोड़ा वॉक करने गया था, ये कह के गोयल अपने रूम में चला जाता है। क्या ये रियल गोयल था? क्या लगता है आपको लॉजिकल आर्मी? ये रियल गोयल नहीं था। गोयल को चेहरे पे मार्क है, इसको नहीं है। और ये बारिश में वॉक करने गया था तो गीला क्यों नहीं हुआ? ना ही कोई अम्ब्रेला लेके गया था। मेहुल उसके पीछे रूम में दौड़ता है तो मिस्टर गोयल वहां से मिसिंग होते हैं। मतलब उस स्नेक मैन के पास रूप बदलने का भी पावर है। नेक्स्ट डे न्यूज आती है कि गोयल ने एक बैंक में चोरी कर ली है। मेहुल बैंक पहुंचता है और वहां की फुटेजेस चेक करता है तो चोरी मिस्टर गोयल ने ही की थी। जरूर ये वो स्नेक मैन ने रूप बदल के चोरी की होगी। तभी गार्ड भागते हुए आता है और कहता है कि मिस्टर गोयल बैंक के पीछे बेहोश पड़े हुए हैं। मेहुल वहां पहुंचता है, वैसा ही ग्रीन कलर मिस्टर गोयल की बॉडी पे भी है। मतलब जरूर स्नेक लोगों पे ग्रीन कलर छोड़ता है और उन्हें अपने वश में कर लेता है, इसलिए डॉक्टर ने लोगों पे हमला किया होगा और मिस्टर गोयल ने चोरी की। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी वहां पुलिस आती है जिन्हें स्नेक मैन के बारे में कुछ नहीं पता है। वो मिस्टर गोयल को जेल में बंद कर देती है। मुझे मिस्टर मनन को जल्दी बचाना होगा। तभी मेहुल को साइंटिस्ट का फोन आता है और वो मेहुल को अपने पास बुलाता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं एबीसी में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। रास्ता बी साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता भी लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को एक बीन देता है और कहता है इस बीन को बचाते ही स्नेक को कंट्रोल किया जा सकता है। मेहुल वो बीन लेता है और मिस्टर मनन को बचाने के लिए निकल जाता है। मिस्टर मनन एक होटल रूम में रुके हुए है। मेहुल वो होटल रूम के सामने पहुंच जाता है तो उसे वहां दो मिस्टर मनन दिखते हैं। क्या बता सकते हैं इनमें से असली कौन है? ए या बी, सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बी को देखिए पीछे पूंछ दिख रही है, मतलब ये जरूर स्नेक मैन होगा। मेहुल बीन निकालता है और उसे बजाना शुरू कर देता है। बीन के बजते ही डुप्लीकेट मिस्टर मनन स्नेक के रूप में आ जाता है और उसकी शक्तियां काम करना बंद कर देती है। मेहुल एक जाल फेंकता है और उसे पकड़ लेता है। टोन मैन उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पा रहा था। तभी उसे समझता है कि वो जमीन से चिपक गया है, लेकिन वहां लेजर मैन उसे निकालने के लिए आ जाता है। अब स्नेक मैन, लेजर मैन और स्टोन मैन मिलके क्या तबाही करेंगे, देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।